मौसम्मी कौन तोड़ने जाएगा बता जल्दी। ये हमारे भोजपुरी सिंगर दिलीप यादव और खूनी जी हैं। मौसम्मी दिखा, मौसम्मी कहाँ है। हे गाइस, तो एक नए ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी लगभग सुबह के 8 बज रहे हैं और कल दशहरे से लेकर के आज पूरा रात काफ़ी ज़ोर से बारिश हो रहा था और अभी इस टाइम भी काफ़ी ज़ोर से बाहर बारिश हो रहा है। तो अभी हम लोग चलते हैं बाहर घूमने, काफ़ी मस्ती करेंगे, साथ में अपना अंकित जो काफ़ी कॉमेडी करता है उसको और अनंत भाई को, उनके अलावा भी एक दो बंदे को और साथ में ले चलेंगे और चलिए मस्ती करते हैं। तो गाइस, अभी जस्ट सुबह हुआ है और हम लोग आ गए हैं ब्लॉग बनाने के लिए। तो अंकित को काफी जोर से भूख लगा है, तो अभी दो दो किलो वाला मौसम्मी इसको खिलाते हैं। अरे चल सबे खाए, सबे खाए। तो गाइस ये देखिए, ये बड़े बड़े मौसम्मी लगे हैं, यही मौसम्मी का पेड़ है और अभी इसको चोरी करना पड़ेगा क्योंकि ये मौसम्मी का पेड़ हम लोग का नहीं है। मौसम्मी कौन तोड़ने जाएगा बताओ जल्दी। जाओ जाओ जल्दी से तोड़ डालो, पूरा पेड़ में साफ कर दो। मौसम्मी दिखा, मौसम्मी कहाँ है। तो गाइस ये मौसम्मी खाने का सबसे बढ़िया जगह है और यहीं पर हम पांचों चोर मिलके मौसम्मी खाएंगे और फिर चलते हैं एक जगह पानी बह रहा है वहां पर, मजा आएगा। जल्दी जल्दी मौसम्मी को छीलो, खाते हैं जल्दी छीलो। मौसम्मी छीले वाला मशीन। चल चल जल्दी जल्दी खोलो, खोलो पहले खोलो। आ, क्या सीन है। नहीं। गाइस हेने देखा, हेने देखा, ये देखा ये पानी कहाँ जा रहा है, ये पूरा सुरंग बन गवा है अंदर। गाइस इधर देखिए, ये धान की बाली इधर फूटी हुई है लेकिन इस साइड देखिए, ये पानी और हवा के कारण ये सारा धान गिर गया है, अब ये धान एकदम से खराब हो जाएगा। इधर देखिए, इधर पानी बह रहा है। तो अब 360 डिग्री घूम करके हम चारों तरफ का नज़ारा आप लोगों को दिखा देते हैं। नहीं। बाकी अपने साथ जो पंटर लोग आए थे वो थोड़ा आगे निकल गए हैं, जहाँ पर पानी बहुत तेजी से बह रहा है वहाँ पर है। तो चलो हम लोग भी वहीं चलते हैं, देखते हैं वहाँ का नज़ारा कैसा है। पानी देखने के लिए यहाँ पर काफी लोग आया करते हैं। ये देखिए इस साइड से 3 लोग और आ रहे हैं। आकाश सो के नोट से ब्लॉगिंग कर रहा है, देखिए जैसे ही मैंने कैमरा जूम किया नोट इसका अंदर हो गया। और इस साइड अपने कुछ सिंगर्स लोग भी आ गए हैं। नमस्कार गाइस, ये हमारे भोजपुरी सिंगर आ गए हैं, अभी मिल गए यहाँ पर। हम लोग आए थे पानी देखने के लिए, तो अब इनके बारे में हमारे कुलदीप भाई बताएंगे इनके बारे में। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये हमारे भोजपुरी सिंगर दिलीप यादव और खूनी जी हैं, जो कि इनका चैनल अभी हाल ही में मोनेटाइज हुआ है, $116 बन भी गया है। और इनके चैनल का नाम है दिलीप म्यूजिकल आर्ट, म्यूजिकल आर्ट, सिर्फ म्यूजिकल आर्ट। तो भाई आप लोग ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें और दिलीप भाई को सपोर्ट करें। तो गाइज ये थे अपने दिलीप भाई और कुलदीप भाई, हम लोग आए थे पानी देखने और वो बगल वाले गाँव से वो भी यहीं आए थे पानी वगैरह देखने के लिए और घूमने टहलने के लिए, और अचानक से हम लोग मिल गए यहाँ पर।
और भाई अगर हम लोग किसान की बात करें ना, तो किसान का बड़ा दुर्दशा है यार। ज़्यादा पानी बरस जाता तो भी प्रॉब्लम, कम बरसे तो भी प्रॉब्लम। देखिए हवा और पानी की वजह से सारा धान गिर गया है। तो गाइस अब थोड़ा सा पानी के अंदर बहते पानी का मजा उठा लेते हैं। पिछली बार जब हम आए थे तो यार पानी में जैसे ही घुसे थे तुरंत साला चप्पल ही टूट गया था। लेकिन इस बार मैंने वही गलती रिपीट नहीं किया है। मैंने इस बार पहले ही चप्पल अपना बाहर कर दिया है कि जिससे पानी में घुसते टाइम किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम्स ना आए, और इसलिए नंगे पैर अंदर गया था मैं। तो गाइज आप लोगों ने देखा आज के ब्लॉग में हम लोगों ने काफ़ी मस्ती किया, भोजपुरी सिंगर से आप लोगों को मिलवाया और साथ में यहाँ पर जो पानी बह रहा था वो सब दिखाया। इस बारिश की वजह से किसान का, बहुत सारे किसान का धान और गन्ना गिर के ख़राब हो गया है, वो सब मैंने थोड़ा सा दिखाने की कोशिश की। तो बस आज के इस ब्लॉग में इतना ही। अगर ये ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं जल्द ही और ज़्यादा इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।